Welcome back students. Like, share and subscribe our channel Nirja Education to get more educational videos. And now in part 2 of this chapter, we will be starting right from where we left in first video. Ki why tertiary sector's importance has increased in past few years. Iske seedhe se 4 reason aapki book mein de rakhe hain. Aur hum unko aise hi yaad rakhenge because question can be asked in your exam for 4 marks. First reason, tertiary sector involves all basic facilities, basic services like health, education, banking, finance, transportation, and in developing as well as developed countries, responsibility of providing all these basic services is taken up by government. मतलब कि government जो है वो ध्यान रखती है कि ये सारी जो services हैं basic services वो वहाँ के citizens को मिलती रहे in adequate amount. क्योंकि government का जब हम बात कर रहे हैं तो सीधी बात आ जाती है politics की, voting की. और development किसी country में कब दिखता है? जब ये basic services, ये basic facilities ठीक हो. अगर आपको याद है तो हमने development chapter में भी पढ़ा था, है ना, हेल्थ एजुकेशन इन सब के ऊपर से कंट्री का डेवलपमेंट डिसाइड होता है. सो गवर्नमेंट विल पे अटेंशन इन डेवलपिंग ऑल दिस बेसिक सर्विसेज. सेकंड रीजन, व्हेनेवर एनी इम्प्रूवमेंट कम्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स प्रोडक्शन देयर विल ऑलवेज कम अ डिमांड इन सर्विसेज. मतलब कि जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उस प्रोडक्शन के लिए रिलेटेड जितनी सर्विसेज है जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग हो गई, उनकी भी जरूरत बढ़ेगी. सो दैट इज द सेकंड रीजन बिहाइंड इंप्रूवमेंट इन टर्शियरी सेक्टर. थर्ड रीजन, इनकम ऑफ पीपल इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. लोगों की इनकम बढ़ रही है तो अब लोग पैसे खर्च कर रहे हैं मूवीज देखने में, बाहर खाना खाने जाने में, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था. So now people are spending more money in getting services, facilities. Fourth reason and last reason, that is because of new development in the technology. जैसे कि अब free time में लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, WhatsApp, Facebook, internet, इन्हीं सब पे लगे हुए हैं. मतलब कि पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, इंटरनेट की डिमांड बढ़ गई, आईटी सेक्टर की डिमांड बढ़ गई, है ना. तो इसकी वजह से भी वी फाइंड इम्प्रूवमेंट एंड राइज इन टर्शरी सेक्टर. सो दिस वर द 4 रीजंस. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज व्हाट इज द शेयर ऑफ ऑल दिस डिफरेंट सेक्टर्स इन द जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंट्री. अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं जीडीपी की. अब जीडीपी के मामले में अगर देखा जाए, और यहाँ पे हमने कंपैरिजन भी की है 1971-72 के डेटा की और 2011-12 के डेटा की, ताकि हमें पता चले कि किस तरह से इंक्रीमेंट हुआ, कौन से सेक्टर में हुआ. तो अगर हम सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो 1971-72 में प्राइमरी सेक्टर में टोटल, जैसे कि इंडिया की बात करें, इंडिया के टोटल जीडीपी 100% में से 43% टोटल जीडीपी की इनकम जो है उसमें से 43% इनकम कहाँ से आ रही थी? प्राइमरी सेक्टर में से. जो डिक्रीज होके 2011-12 में कितनी हो गई? 15%. ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की. तो 1971-72 में टोटल जीडीपी के 22% इनकम कहाँ से आ रही थी? सेकेंडरी सेक्टर से, जो कि बढ़ के हो गई 27%. वैसे ही अगर टर्शरी सेक्टर में देखें तो 30% से बढ़ के वो सीधा हो गई 58%. तो अभी अगर हम देखें तो वी कैन फाइंड कि मिनिमम रिप्रेजेंटेशन, मिनिमम इनकम कम्स फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर, वेर एज मैक्सिमम कम्स फ्रॉम टर्शरी सेक्टर. ठीक है, मतलब कि इनकम में कहाँ पे बढ़ोतरी हुई है? टर्शरी सेक्टर के, जिसके रीजंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं. अब नाउ लेट अस टॉक अबाउट एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? कितने लोग कौन से सेक्टर में काम कर रहे हैं, कितने लोगों के लिए कहाँ पे जॉब मिल रही है, कौन से सेक्टर में कितने लोग जॉब पे लगे हुए हैं. तो अब अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो पहले के टाइम में
ज़्यादातर लोग क्या करते थे, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर से जुड़े हुए थे. सो दैट इज़ वाई मोर एम्प्लॉयमेंट वॉज देयर इन प्राइमरी सेक्टर. 74% पीपल, अगर देखो इसको कैसे समझना है कि टोटल 100% एम्प्लॉयड पीपल में से, जितने टोटल एम्प्लॉयड पीपल हैं इंडिया में, उसमें से 74% कहाँ पे थे, प्राइमरी सेक्टर में. उसमें से 2011-12 की बात अगर हम करें तो 74% में से कितने लोग अब एम्प्लॉयड रह गए थे यहाँ पे, 49%. यहाँ से जॉब्स, यहाँ पे जॉब अगर डिक्रीज हुई तो वहाँ का इंक्रीमेंट हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में, कि पहले यहाँ पे 11% पीपल एम्प्लॉयड थे, अब 24% है. पहले यहाँ पे 15% एम्प्लॉयड थे, अब 27% है. बट नाउ द क्वेश्चन इज कि स्टिल मोर नंबर ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड इन प्राइमरी सेक्टर. ठीक है ना, यहाँ पे 49 है, यहाँ पे 27 है, जो यहाँ पे 24 है. तो अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहाँ काम कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर में, लेकिन इनकम उतनी नहीं हो रही है. तो यहाँ पे तो ऐसा होना चाहिए ना कि जहाँ पे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं वहीं से ज़्यादा इनकम भी आनी चाहिए. बट द सिचुएशन इज नॉट सो. वाई? रीज़न बीइंग, प्राइमरी सेक्टर में काम करने के लिए ज़्यादातर अगर फार्मिंग, फिशिंग, पोल्ट्री, इन सब की अगर हम बात करें तो नॉट मच स्किल और एजुकेशन इज रिक्वायर्ड. बट इफ़ वी टॉक अबाउट टर्शरी सेक्टर, देन टीचिंग, मेडिकल, बैंकिंग, ये जितनी ज़्यादातर सर्विसेज हैं टर्शरी सेक्टर में, दे ऑल रिक्वायर्ड स्किल एंड एजुकेशन. और स्किल एंड एजुकेशन पीपल कम होने की वजह से टर्शरी सेक्टर में काम करने के बदले लोग कहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं. ठीक है, दूसरी चीज़ है सेकेंडरी सेक्टर. अब देखो, सेकेंडरी सेक्टर मेनली इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, मींस प्रोडक्शन इज डन थ्रू मशीनरीज. तो वहाँ पे ह्यूमन एफर्ट्स ऑलरेडी कम है, तो वहाँ पे आउटपुट तो बढ़ा लेकिन उतनी जॉब्स क्रिएट नहीं हुई. अब इस पर से हम एक और चीज़ समझ सकते हैं कि यहाँ पे लोग तो ज़्यादा हैं लेकिन प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं है, इनकम उतनी ज़्यादा नहीं है. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सिचुएशन of those people who are employed in primary sector. They are mostly underemployed. Let us understand this term by a simple example. There is a family which has 5 members in it and they are all indulged in farming work in their own farm which is around 2 hectare. मतलब 2 hectare का उनका farm है जिसमें family के 5 लोग काम करके crop production कर रहे हैं. अब जितना छोटा ये फार्म है उस फार्म में अगर 5 के बदले 3 लोग भी काम करेंगे तो प्रोडक्शन वही का वही रहना है. मतलब कि वो लोग 5 लोग मिलके अगर 100 kg वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उन 5 के बदले अगर सिर्फ 3 लोग भी उस फार्म में प्रोडक्शन के लिए काम में जुटे रहेंगे तो भी प्रोडक्शन 100 kg ही रहेगा. मतलब कि यहाँ पे हमें दिख तो रहा है कि ऑल 5 आर वर्किंग ऑन देयर फार्म बट production is not increasing whether we remove 2% or we add 2%. production wahi ka wahi reh raha hai and this kind of situation is known as underemployment. and as if somebody is unemployed, koi agar kuch kaam nahi kar raha hai, ghar pe baitha hai, jobless hai, to hum usko bolte hain ki unemployed hai. yahan pe unemployment hame seedhi tarike se dikhti nahi hai. we see that person is working in the farm but that person is not working up to his or her potential and because of which that family, जो 5 members की ये family है, उसकी income वहीं की वहीं रह रही है क्योंकि उनका production वहीं का वहीं रह रहा है, चाहे 2 लोग काम करें चाहे 5 लोग काम करें. and this kind of situation is known as discussed unemployment. okay, it is different from unemployment because it is not clearly visible. तो अब इस केस में क्या करना चाहिए? तो इस केस में क्योंकि 5 लोगों के काम से प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा है, नहीं 3 लोगों के काम से कम हो रहा है, इसलिए 2% शुड सर्च फॉर जॉब समवेयर एल्स एंड इन दिस मैनर दे कैन इंक्रीज देयर फैमिली इनकम. अब ऐसा नहीं है कि ये जो डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट है वो हमें सिर्फ प्राइमरी सेक्टर में देखने को मिलती है. समवॉट डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी सीन टर्शरी सेक्टर एज वेल. आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जाम्पल. जैसे कि हमारे यहाँ
डोर टू डोर सेलिंग सर्विस के लिए लोग आते हैं, लेकिन कितने लोग उन चीज़ों को खरीदते हैं? ऐसा हो सकता है कि इफ़ दैट पर्सन ट्राइज टू सेल प्रोडक्ट फॉर एंटायर डे देन टू ही मे अर्न वेरी लिटिल। ठीक है, इसके अलावा जो प्लम्बर्स हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं विच आर प्रोवाइडिंग दिस ऑल सर्विसेज, दे मे नॉट गेट अ सिंगल वर्क फॉर अ डे, तो उस दिन के लिए उनकी इनकम कुछ भी नहीं है। ऐसा लग तो रहा है कि दे आर एम्प्लॉयड बट एक्चुअली दे आर नॉट अर्निंग एनीथिंग। दिस कैन हैपन। सो इन टर्शरी सेक्टर ऑल्सो वी कैन फाइंड डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, बट इट इज़ नॉट अप टू दैट लेवल जितनी कि हमें प्राइमरी सेक्टर में देखने को मिलती है। एंड इंडिया में डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज एट ह्यूज लेवल। सो वॉट कैन वी डू टू इंक्रीज इनकम ऑफ पीपल? To get answer of this question, watch the next video of this chapter.